कोरोना वायरस को काबू करने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन सरकारें इस बात भी पूरा ध्यान रख रही हैं कि जहां संभव हो आम जनता को राहत दी जाए। केंद्र सरकार कह चुकी है कि हालत की समीक्षा करने के बाद 20 अप्रैल यानी कि आज से चुनिंदा क्षेत्रों में राहत दी जा सकेगी। अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल से अच्छी खबर भी आ चुकी है। गुजरात में सरकार ने 20 अप्रैल यानी कि आज से सभी सरकारी दफ्तर खोलने की योजना बना दी है, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का पालन भी इसमें किया जाएगा। इसके तहत एक बार में 33% कर्मचारी काम करेंगे, बाकी घरों से काम करेंगे। सरकार चाहती है कि आम जनता से जुड़ी योजनाओं पर काम होता रहे। इसी के साथ बैंक ATM खुले रहेंगे, पेट्रोल डीजल केरोसिन CNG LPG PNG सप्लाई चालू रहेगा, पोस्ट ऑफिस और डाक सेवाएं भी चालू रहेंगी, कैपिटल डिपार्टमेंट मार्केट में सेबी के निर्देश से भी काम होगा, मनरेगा काम को भी इजाजत दी गई है। इसी के साथ रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सेवाएं दुकानें भी चालू रहेंगी, जैसे कि किराना और राशन की दुकानें, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री मीट मछली और चारा बेचने वाली दुकानें ये भी चालू रहेंगी। इलेक्ट्रीशियन, IT रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, DTH और केबल सर्विसेज, ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सभी जरूरी सेवाओं को होम डिलीवरी का इंतजाम करे। ऐसे होने पर ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे, दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। अब बात करते हैं IT सेवाओं की, तो IT और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर चालू रहेंगे। ऑफिस और आवासीय प्रवासियों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विस चालू रहेगी। राज्य सरकारें की जिम्मेदारी होगी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। गांव खेती सेवाएं और किसानों से जुड़ी ये उद्योग चालू रहेंगे, जिसमें नगर निकाय की सीमा से बाहर गांव में उद्योग शुरू किया जा सकेगा। गांव में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर भी खुल जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस शुरू होंगी। फिशिंग ऑपरेशन यानी कि समुद्र और देश के अंदर जारी रहेंगे। चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन चालू रहेगा। पशुओं का खाना, मसलन मक्का और सोया की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगी। पशु शेल्टर और गौशालाएं खुली रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े ये उद्योग भी आज से खुलेंगे। जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम होगा। इनमें ड्रग्स, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां शामिल है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे। ऐसे प्रोडक्शन यूनिट जिसमें प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता, वे शुरू हो जाएंगे। उनकी सप्लाई चेन भी शुरू हो सकेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सप्लाई इकोनॉमी जोन इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियों को अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी। अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और आने जाने के भी इंतजाम किए गए हैं। IT हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा। कोल, माइन और मिनरल प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए जरूरी विस्फोटक की आपूर्ति जारी रहेगी। ऑयल एंड जूट इंडस्ट्री पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शामिल है इसमें। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की, तो शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए, कोई मजदूर बाहर से नहीं आ पाएगा। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो सभी तरह के सामानों की आवाजाही हो सकेगी। रेलवे के जरिए सामान और पार्सल भेजा जा सकेगा। विमानों का भी कार्गो, मदद और लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। बंदरगाहों से देश के अंदर और बाहर रसोई गैस,
खाद्य सामग्री और मेडिकल सप्लाई हो सकेगी। सड़क के रास्ते जरूरत के सामानों को ले जाने वाले ट्रकों गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। इसमें दो ड्राइवर और एक हेल्पर की अनुमति मिली है। सभी केंद्रीय कार्यालय जैसे कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से अधीन आने वाली डिपार्टमेंट्स ऑफिसों में डिप्टी सेक्रेटरी और इससे ऊपर के अधिकारियों की 100% उपस्थिति जरूरी रहेगी। इमरजेंसी सेवाएं, मौसम विभाग, केंद्रीय सूचना आयोग, FCI, NCC, नेहरू युवा केंद्र और कस्टम के दफ्तरों में बिना रुकावट काम चलता रहेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालय और उनसे जुड़े ऑफिस भी खुले रहेंगे। अब बात करते हैं उन सुविधाओं की जो पहले से बंद है और 3 मई तक भी बंद रहेंगी, जिसमें घरेलू और विदेशी उड़ान बंद रहेंगी। यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही बंद रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी। मेडिकल की वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक दूसरे से राज्यों में मूवमेंट नहीं हो पाएगा। सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी सभी सेवाएं नहीं खुली रहेंगी। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाज़त नहीं दी गई है। आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखा गया है। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये खास रिपोर्ट हमारी जरूर देख लीजिएगा। सौम्या सिंह, गुजरात तक।